बनी मामा ब्लॉग चैनल के किसी भी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको आने वाली जो अपडेट हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो क्या घर में आप बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हो गया है जनता कर्फ्यू। यानी कि 22 मार्च को हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐलान किया है कि जनता कर्फ्यू हो चुका है, सबको घर में बैठना है और यहाँ पर जो कोरोना वायरस जो हमारे पूरे हमारे इंडिया पूरी कंट्री में जो फैल चुका है, तो इसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है। तो अब हम क्या करें, घर पे बैठे बैठे बोर होने से ज्यादा फैमिली हम अपना सबके साथ रह रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। तो अब हमें सबसे जरूरी है कोरोना वायरस से बचने के लिए दो चीजें, यानी कि जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सैनिटाइजर और दूसरा हमारा मास्क। तो इन चीजों के लिए हम क्या करें। हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल बनी मामा, और मैं हूँ प्रीति और यहाँ पर मैं आपको बनाने के लिए लेके आई हूँ जो सिंपल आपका होता है सैनिटाइजर जो होममेड है और दूसरा आपका मास्क। तो यहाँ मैं पहली चीज आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ वो है आपका सैनिटाइजर जो होममेड आप कैसे बनाते हैं। मार्केट में बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे घर बैठे बैठे आप इसको बना सकते हो, बिल्कुल ईजी टू मेक है, आप इसे आराम से बना सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर एक बॉटल जो हेयर स्प्रे वाटर होती है जिसको हम इजिली यूज करते हैं, तो मेरे घर में ये पड़ी हुई थी और मैंने इसको यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे मार्केट से लेके आ सकते हैं, और भी अच्छी आपको स्प्रे बॉटल मिल सकती है वहां पर। तो ये 40-50 जो रुपीज में आपको लगभग मिल जाएंगी आप। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है, सेकेंड है हमारा ये एलोवेरा, यानी कि जिसको हम यूज करते हैं अपने स्किन के लिए, अपने मास्क जो हेयर मास्क के लिए यूज करते हैं, तो ये आपके घर में ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज है हमारी डिटॉल, एंटीसेप्टिक लिक्विड डिटॉल जो हम बाथरूम में इसको हम मोस्टली लोग यहाँ पर 90% लोग इसको यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी चीज का यूज किया है, आपको इसी चीज का यूज करना है। इसके बाद हम अपने किचन में से लेके आ सकते हैं एक लेमन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लेमन लेके आई हूँ जिसमें होते हैं एंटी एजिंग। तो आप इससे बैक्टीरिया को हटाने के लिए आप जो हम यूज करते हैं इसका, जैसे कि हम स्किन में से अपना जो पिंपल्स होते हैं हम उसको हटाने के लिए यूज करते हैं, या कोई दाग धब्बे हटाने के लिए जो सबसे अच्छा वर्क करता है वो था लेमन। तो ये बैक्टीरिया के लिए आप एंटी एजिंग नींबू है इसका यूज कर सकते हो। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर ले ली, यानी कि आपको चार चीजें चाहिए, बॉटल चाहिए आपको यहाँ पर, चाहिए एलोवेरा चाहिए, थर्ड चाहिए आपको डिटॉल लिक्विड, एंड फोर्थ है आपका लेमन। तो इन चार चीजों से मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। तो आप सिंपल आप यहाँ पर क्या लीजिए, एक मग मैंने ले लिया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है जो लेमन है इसको मैं आसानी से क्या करती हूँ, यहाँ पर एक बॉटल में मैंने इसको निकाल लिया ऐसे करके, इसको इजिली इस तरीके से निकाल लीजिए पूरी तरीके से। उसके बाद ये एलोवेरा है, मैं यहाँ इसे यूज करने जा रही हूँ, आप इसे एलोवेरा को निकाल लीजिए जितनी क्वांटिटी हो आपको जिस हिसाब से बनाना हो आप बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप पूरी तरीके से थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बनाना चाह रहे हो तो उस क्वांटिटी के हिसाब से वही मिक्स करते जाइए, ये नहीं है कि आपने कुछ भी बना लिया कैसे भी करके बना के उसे रखा रहने दिया तो ये खराब हो सकता है। आप इसे एटलीस्ट आप 1 वीक के लिए बना के रख सकते हो और यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अपनी बॉटल के हिसाब से इतना बड़ा इतना भरने के लिए नहीं बना रही, मैं थोड़ा सा हिसाब से बना रही हूँ कि मेरे हिसाब से जो 2 या 3 दिन इसको चल जाए। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं डिटॉल, तो डिटॉल को भी आप हिसाब से ले लीजिए, मैंने यहाँ पर इस हिसाब से ले लिया है, थोड़ा सा ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ले ली हैं, लेमन इसमें ऐड कर दिया है मैंने इसमें, और एलोवेरा मैंने जेल भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और इसके अलावा जो मैंने ऐड किया है लेमन तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली, उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सिंपल नाइफ ले रही हूँ मैं इसको करने के लिए, और इसको अच्छे से ऐड कर लीजिए। वाटर यहाँ पर मैंने पहले से ही मिला लिया था, सॉरी कि मैं आपको बताना भूल गई, तो वाटर आपको लेना है हिसाब से, उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें ऐड करनी है, अच्छे से कर लीजिए। और अच्छा रहेगा अगर एलोवेरा अगर आप ये आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला यूज़ किया पतंजलि का, अगर आप जो लीव्स का जो होता है उसका कच्चा वाला जो निकाल रहे हो तो वो क्या है वो आसानी से मिक्स नहीं हो सकता है। तो आप उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो आप क्या है करिए, आप जो आपके पास मिक्सी ग्राइंडर जो सारी
चीजें हैं आप उसमें अच्छे से थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, तो वो एलोवेरा का बहुत अच्छा वर्क करेगा और इससे मच बेटर काम करता है, क्योंकि वो क्या होता है, इट्स टोटली नेचुरल, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरी सारी चीजों को मिला लिया, ऐड कर लिया, अब मैं इसे बॉटल में इसको करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बॉटल को खोल रही हूँ और ये रहा आपका नेचुरल सैनिटाइजर। ये स्मेल बहुत अच्छा कर रहा है आपको, आप यकीन मानिए, आप जो मार्केट से लेके आते हैं उस सैनिटाइजर से बहुत अच्छा होता है, एकदम नेचुरल है, आपको किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है आपको, तो आप इसे घर में बना के यूज करके देखिए। मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया था तो टेंशन नहीं है अब इसे, आप देख रहे होंगे कि मेरी बॉटल एकदम, तो वही इसको मैं अच्छे से यहाँ पर हिला के इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब ये बहुत अच्छा हो गया है, अब इसमें देखिए पूरा झाग आ गए हैं, ये वाइट कलर का ये है, कुछ कलर आपका आ जाएगा इसमें और बहुत अच्छी स्मेल कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। और बस इसे एक चीज़ है कि आप इसे अपने बच्चों से थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि एक ये ऐसी चीज़ है, तो आप ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप घर में बना रहे हैं, नेचुरल है सब चीज़ें हैं, केमिकल नहीं है ये, तो आप बच्चों को दे सकते हैं कुछ भी करें, तो प्लीज़ इसे प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए अपने बच्चों से, ठीक है। और तो ये मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं आपको यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सैनिटाइजर अभी नहीं। तो ये है हैंकी, यानी कि मैंने सिंपल हैंकी लिया हुआ है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इस तरीके से मैंने यहाँ फोल्ड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है, ये दो मैंने रबर बैंड यूज किए हुए हैं और लेने, अब मतलब एक्चुअली मैं इसको ले रही हूँ। अब इसको क्या कीजिए, वन साइड से आप इसको यहाँ से डालिए, वन साइड आप इसको दूसरी तरफ से डालिए, इसके बाद अब क्या कीजिए, इसको फोल्ड कीजिए और इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए, ओके। बस सिंपल, अगर आपको लगता है कि ये चीज निकल सकती है तो आप यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, ठीक है। अब